गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ये देखिए आप लोगों को ये पहले A4 साइज का एक पेपर लेना है और इसको ऐसे मोड़ के आपको इसको काट लीजिएगा। आप इस तरह देखिए, ये पेपर मैंने इसको ऐसे कट कर दिया है। हम एक ही से बनाएंगे और एक आपका रखेंगे सेम, इसको भी येलो को भी ऐसे ही कर देंगे। आप किसी भी कलर के पेपर से बना सकते हैं, अगर आपके पास वाइट है वाइट से कर लीजिएगा, जो भी पेपर है उससे करिएगा। इस तरह इसको काट लेंगे और इसको ये देखिए ऐसे पहले ऐसे जिग जैग टाइप का इसको मोड़ेंगे। ऐसे करके तरह इसको भी रेड को भी करेंगे, फिर येलो को भी करेंगे। मैं अभी थोड़ा सा आपको पूरा दिखाती हूँ। इस तरह देखिए आप लोग, ये मैंने इसको ऐसे इसको मोड़ दिया है। इसको आप लंबाई में ऐसे करेंगे, इस तरह मोड़ेंगे, और इसको आप जो है इसको आप इस तरह करके करेंगे, इसको इसमें करेंगे आप, इसको अब इसको चिपका देंगे। ये देखिए इसमें ऐसे करके इसको चिपका देंगे। फिर आप देखिए इसमें आप फिर यहाँ भी ऐसे ग्लू लगा के इसको इसको येलो वालों को भी यहाँ पर ऐसे चिपका देंगे। थोड़ी देर इसको ऐसे रख देंगे तो ये चिपक जाएगा, देखिए इस तरह। फिर इसको हम अभी ये गीला है, फिर ये इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे फैला देंगे। अभी ये थोड़ा सूख जाए, इस तरह करके फिर इसको क्या करेंगे, अभी इसमें हम एक ऐसे ये देखिए आप किसी भी ये देखिए मैंने एक ये ऐसे इसका फेस बनाया है। ये देखिए ये आपको ये देखिए ये फेस बना हुआ है ना, ये मैंने बना के रखा हुआ है। आपको क्या करना है, देखिए ऐसे एक सर्कल काट लीजिएगा। फिर इसमें आप क्या करेंगे, इसको बनाने का तरीका बता देती हूँ। आप क्या करेंगे, ये देखिए ऐसे आप एक ये प्लेन पेपर ऐसे ले लेंगे, अगर ब्लैक नहीं हो तो आप रेड को भी लगा सकते हैं। ये देखिए फिर इसको हम ऐसे मोड़ेंगे, ये देखिए आपका ये ऐसे, और फिर ये आपका ये ऐसे, ये देखिए ऐसे ये मुड़ेगा। तो ये देखिए आपका ये हो जाएगा, फिर आप इसको ऐसे इसको कट कर देंगे। कट करके फिर इसको ये देखिए मैं आप लोगों को सिखाने के लिए इसको दिखा रही हूँ। ये देखिए आप इसमें इस तरह करके इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे हम, ये देखिए इस तरह करके इसको आप ऐसे चिपका देंगे थोड़ा सा ऐसे करके। ये देखिए ऐसे करके आप इसको चिपका देंगे। एक देखिए ये मैंने इसका आप लोगों को बना के रखा है, आप ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको काट मैं काट के इसको बराबर कर देंगे। ये देखिए मतलब आपको ये मोड़ पता होना चाहिए कि इस तरह का ये आना है, ऐसे ही मैंने इसको मोड़ा है। फिर आपको क्या करना है, एक ऐसे एक स्टिक ले लेंगे आप लोग, कोई भी टूथपिक वगैरह लेके, फिर आप इसको ऐसे यहाँ पर किसी भी साइड जो भी रहेगा किसी को एक फ्रंट करके आप उसमें
इसको ऐसे ही चिपका देंगे। ये देखिए इस तरह ही आपका ये चिपक जाएगा इसमें। और आप इसमें क्या करेंगे, जो आपका ये टूथपिक रहेगा इसमें आप क्या करेंगे, ऐसे करके इसको चिपकाएंगे और इसी में आप ऐसे करके इसका फेस चिपकाएंगे। तो ये आपका देखिए, इसमें थोड़ा सा ग्लू लगा देते हैं और आप इसमें इसको थोड़ा सा टाइम देंगे आप चिपकने के लिए। मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, फिर आप लोग अपने घर में बनाएंगे। और बना के मैं थोड़ा सा इसको उठा के रखूँगी, ये गिरे नहीं क्योंकि अभी ये गीला है। ये देखिए आपका इसमें पहले आपको ऐसे चिपकाने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ऐसे इसको चिपकाएंगे, नहीं होगा तो आप इसमें ना कोई पेपर भी चिपका सकते हैं, कोई एक छोटा सा पेपर लेके चिपका देंगे तो आपका और अच्छे से चिपक जाएगा। ये एक पेपर लेके अगर आप इसको और ऐसे करके चिपका देंगे ना तो आपका पूरा ही अच्छे से ये चिपक जाएगा। छोटा सा पेपर लेंगे और इसको ऐसे चिपका देना। फिर आपका ये है, अभी ये गीला रहेगा, मैं आप लोगों को इसमें ऐसे लगा के ऐसे दिखा दे रही हूँ। ये देखिए ये इसका फेस हो जाएगा, आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से मेरे ख्याल से। ये देखिए आप लोग बनाएंगे और बना के मेरे को भेजेंगे। थैंक यू।